वर्ल्ड क्लास गोल्फ कोर्स जो सैकड़ों एकड़ तक फैली हुई है, कमर्शियल हब जिसे साइबर सिटी भी कहा जाता है, मिलियनर और बिलियंस का घर वो सिटी जिसमें बेहतरीन होटल्स और मॉल्स हैं। दोस्तों तो हम बात कर रहे हैं इंडिया के थर्ड हाईएस्ट पर कैपिटल इनकम वाले शहर की, गुरुग्राम, जिसे द मिलियनर सिटी भी कहते हैं। वो हरियाणा का मोस्ट हायर रेवेन्यू अर्नर है ग्लोबल फॉर्च्यून, जो 500 में से 250 से भी ज़्यादा के हेडक्वार्टर्स और बड़े बड़े ऑफिस गुरुग्राम में है। इसके अलावा मारुति सुजुकी, होंडा, हीरो होंडा जैसी भी ऑटोमोबाइल जॉइंट कंपनियां हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वीडियो को एंजॉय करें। इस वीडियो में आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपने गुड़गांव के बारे में आज तक सुनी भी नहीं होंगी। आने वाले समय में गुरुग्राम का एक ऐसा एरिया होने वाला है जो सिंगापुर और दुबई जैसे शहरों को टक्कर दे सकता है। वो कैसे, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और ये सब बातें मैं आपको कोई ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ, ये सब एक फैक्ट है और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इस पर ऑलरेडी काफी तेजी से वर्क कर रही है। दोस्तों गुरुग्राम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले साइबर हब की तस्वीर आती होगी, और आए भी क्यों ना, साइबर हब जैसी जगह शायद ही देश में कहीं और हो। दोस्तों एक समय था जब MG रोड को गुरुग्राम का मोस्ट हैपनिंग प्लेस माना जाता था और लोग दिल्ली से भी यहाँ पर मौज मस्ती और शॉपिंग के लिए आते थे। लेकिन अब एक टाइम पीरियड के बाद MG रोड की जगह सेक्टर 29 और साइबर हब ने ले ली है। लेकिन अब समय आ गया है, गुरुग्राम में एक और नया ऐसा हब बनने वाला है जिसको ग्लोबल सिटी गुरुग्राम का नाम दिया गया है। और दोस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट इतना बड़ा होने वाला है कि हो सकता है ये DLF के साइबर हब को भी रिप्लेस कर दे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड HSIITC। असल में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इसको सिटी इन सिटी नाम दिया है और इसका जो डेवलपमेंट प्लान है वो सिंगापुर और दुबई जैसे बड़े शहरों पर बेस होगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट में जो सबसे मेन बात निकल कर आ रही है वो है कोई एक आइकॉनिक बिल्डिंग को इस न्यू सिटी में डेवलप किया जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा है, वैसे ही कोई बिल्डिंग हमें इस सिटी में देखने को मिल सकती है, जिससे गुरुग्राम वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बना सकेगा। एक्चुअल में इस पूरे प्रोजेक्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सिटी के अंदर एंट्री करते ही आपको सिंगापुर और दुबई जैसी फील आए। इस पूरी सिटी को 1008 एकड़ में द्वारका एक्सप्रेसवे और पटौदी रोड के आसपास डेवलप किया जा रहा है, जिससे इसकी कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे की वजह से डायरेक्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ भी हो जाएगी। इसके अलावा हुड्डा सिटी सेंटर से मानेसर तक जाने वाली मेट्रो लाइन भी इस सिटी से होकर निकलने वाली है। साथ ही RRTS की हाई स्पीड रैपिड ट्रेन भी आपको इस सिटी में चलती हुई नजर आएगी। कनेक्टिविटी के हिसाब से काफी अच्छा स्ट्रक्चर होने वाला है। साथ ही हरियाणा के CM ऑलरेडी दुबई में इस सिटी का इंफ्रा के लिए मीटिंग कर चुके हैं। इस पूरी सिटी में स्कूल, हॉस्पिटल, हाउसिंग सोसाइटी, मॉल्स, एंटरटेनमेंट हब, बिजनेस जैसी सभी फैसिलिटीज होंगी। दोस्तों ग्लोबल सिटी हरियाणा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काफी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है और ये एक नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा IT हब भी बन सकता है। द्वारका एक्सप्रेसवे के पास होने की वजह से इसकी डेवलपमेंट स्पीड जो अभी हम सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा हो सकती है। साथ ही द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास हमें इन फ्यूचर एक और अलग मेट्रो लाइन भी देखने को मिल सकती है और इसका सीधा फायदा भी मिलने वाला है इस ग्लोबल सिटी को। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हो और इंटरेस्टेड हो इसी टाइप की वीडियोस में तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।